नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। वाइफ्स रेसिपी के नेक्स्ट जो रेसिपी है आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वह है चिली पनीर रेसिपी, या पनीर चिली रेसिपी आप बोल सकते हैं। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, जनरली जब हम होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो इसको हम एज ए इंडिविजुअल हम ऑलवेज डिमांड करते हैं और इसको खाली भी खा सकते हैं। अगर आपको रोटी के साथ खाना है, यानी एज ए लंच या डिनर की तरह लेना है, तो आप रोटी के साथ खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं, और जो जो भी है आपके पास अवेलेबल, यानी नान के साथ खा सकते हैं या रुमाली रोटी के साथ इसको खा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है और इस वीडियो में भी ये बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है लॉकडाउन पीरियड का वीडियो है, जिसमें मेरी वाइफ ने हम सब के लिए, हम परिवार के लिए, मेरे बेटे और बेटी और उनके डिमांड पे ये बनाया गया है। तो जो भी इस लॉकडाउन के पीरियड में बना है, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो एक तरीके से दिस वीडियोज़ आर डेडिकेटेड टू माई वाइफ, यानी मेरे वाइफ के को ही डेडिकेटेड है ये, और ऑन डिमांड ऑफ माई जो भी हमारे बच्चे हैं उनके डिमांड पे वो बना रही है, मेहनत कर रही है, तो इसलिए उनको डेडिकेटेड है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी लाइक्स है वो मेरी वाइफ को डेडिकेटेड होगा। तो जैसे मैं हर वीडियोज में बताता हूँ कि इसमें जो शेफ है मेरी वाइफ है दीपिका विश्वास, जो वीडियो मेकर्स है वो अंकित विश्वास, क्योंकि अब मेरी बेटी जो होता है उस ड्यूरेशन में पढ़ाई कर रही थी, तो इसलिए मेरे बेटा जो होता है रिलैक्स था, तो इसलिए वो थोड़ा हेल्प कर दिया। तो इस बार जो होता है अंकित ने वीडियो मेकिंग किया है, और पब्लिशिंग तो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, ई टीचिंग गुरुकुल। तो चलिए हम इंग्रेडिएंट पे चलते हैं। इंग्रेडिएंट पे जब हम देखते हैं तो जरूरी चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पनीर। पनीर में जो होता है 250 ग्राम जो होता है पनीर हम यूज़ कर रहे हैं। फाइनली चॉप्ड ऑनियन, हम बारीक कटा हुआ जो प्याज है, प्याज आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, थोड़े से बड़े साइज में भी प्याज को काट सकते हैं क्यूब के फॉर्म में, क्योंकि आप देखिए होगे पनीर चिल्ली में जरूरी हम बड़े बड़े टुकड़े लेते हैं, तो आप बड़े बड़े टुकड़े भी यूज़ कर सकते हैं, फाइनली चॉप की जगह बड़े बड़े टुकड़े कर सकते हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ गार्लिक, आप यहाँ पे जो गार्लिक है वो आप 2-3-4 मतलब आप अपने टेस्ट के हिसाब से लहसुन को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना लहसुन खाना चाहेंगे, अगर आपको ज़्यादा लहसुन पसंद है तो ज़्यादा टुकड़े आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक पाव हम पनीर की बात कर रहे हैं तो 2 कैप्सिकम कटे हुए, अब वो भी जैसे कि आप प्याज को जैस साइज में काटेंगे उसी तरह से कैप्सिकम को भी काट लीजिए। 2 टेबलस्पून टमाटो सॉस आप यूज़ करेंगे, 1 टेबलस्पून जो होता है सोया सॉस का इस्तेमाल होगा, ठीक है, और 1/2 कप जो होता है कॉर्नफ्लोर का होता है। अब ये जो इसके जो इस्तेमाल है, देखिए ये किस लिए इस्तेमाल होगा, तो ये जो तीन चीज़ें हैं टमेटो सॉस, सोया सॉस और कॉर्नफ्लोर, इन तीनों को आप जो होता है चाहे तो कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स कर लीजिए, और या तो फिर आप सोया सॉस थोड़ा सा पानी लेके सोया सॉस और टोमेटो सॉस के साथ उसको मिक्स कर लीजिए। अब ये जो मिक्स करते हैं उसका मेन पर्पस होता है कि इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट मतलब आप जो अपने पास पनीर है, पनीर को मैरिनेट करके फिर उसको डायरेक्टली फ्राई करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि उसमें एक तरीके से कोटिंग हो जाएगा। दो तरीके से हम पनीर चिली बनाते हैं, पहले या तो उसको मैरिनेट करके डुबा के डिप करके उसको डीप फ्राई करते हैं उसको बनाते हैं, तो मैं वो प्रोसेस में नहीं जा रहा हूँ, ये इसको सिंपल वे में बना रहा हूँ जिससे कि वो ऑयल फ्री, कम ऑयली हो, इसके लिए बनाने जा रहा हूँ। तो मैं मैरिनेट करके डायरेक्टली आप फ्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो होता है वेजिटेबल ऑयल्स हैं पकाने के लिए, और सॉल्ट एज पर रिक्वायर्ड, यानी आपको जितना स्वाद के लिए चाहिए वो। तो मेन इंग्रेडिएंट इसमें है, लहसुन को आप बढ़ा सकते हो और कैप्सिकम को आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। प्याज आपके जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए क्योंकि वो जो होता है रेसेदार होता है, ठीक है, तो इसलिए आप प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जो रेसिपी है मेरे वाइफ जो होता है आपको कंटिन्यू समझाएंगे। सबसे पहले पनीर लेंगे, उसको मैरिनेट करके रखेंगे टमाटो सॉस, सोया सॉस और कॉर्नफ्लोर से मैरिनेट। उसके बाद कैप्सिकम लेंगे, ऐसे टुकड़े टुकड़े काटेंगे, प्याज ऐसे टुकड़े टुकड़े काटेंगे, और 2 कली लहसुन लिया मैंने, इसको भी बारीक काट लिया, और तेल गरम करने दिए। तेल हमारा गरम हो चुका है, पहले हम लोग पनीर को धीरे धीरे डाल के फ्राई करेंगे। तो देखिए ये पनीर जो है मैरिनेटेड है, देख सकते हैं आप मैरिनेट किया गया है, जो मैंने बताया था मैरिनेशन के लिए टोमेटो सॉस, सोया सॉस
और कॉर्नफ्लोर को आप हल्का पानी और इन तीनों को मिक्स करके ग्रेवी टाइप का बना के उसमें चिली को डाल देंगे। मैरिनेट होने के बाद इसको फ्राई करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए, लाइट ब्राउन, तो टेस्ट इसका बढ़ जाएगा आपका। तो ये एक तरीके से हम पनीर को मैरिनेट करके स्वालो फ्राई कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसको जैसे हमने फ्राई कर लिया है, तो फ्राई करने के बाद इसको निकाल के कटोरी में रख देंगे, फिर लास्ट में इसको ऐड करेंगे। लहसुन को चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए प्याज भी, इसके बाद जो हमने काट के रखे थे इसको भी अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज के साइज भी मोटे मोटे रखेंगे आप। प्याज फ्राई हो गया, अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, उसको भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। तो शिमला मिर्च और प्याज को कच्चापन हटने तक फ्राई कीजिए। तो ये जो चीजें हैं ऑल आर डिपेंड ऑन यू, आप कितना ज्यादा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप डालिए। सोया सॉस ज्यादा नहीं डालना है, जो मैंने आपको क्वांटिटी बताया। सो आप देख सकते हैं गमी टाइप का ग्रेवी आपको लग रहा है, यानी थोड़ा थोड़ा जो होता है। मिक्स होने के बाद जो पनीर फ्राई करके रखे थे उनको हम डाल देंगे। ढाबा स्टाइल में आपको थोड़ा थोड़ा इनके साथ अच्छे से मिक्स करके। सो इस तरह से आप देख रहे हैं ढाबा स्टाइल में लुक आपको फील आ रही है, यानी जितना दिखने में लग रहा है उतना खाने में भी उतना ही टेस्टी है। देख सकते हैं कितना सुंदर फ्लेवर आया है। आपको अगर सूखी ग्रेवी चाहिए तो आप ऐसे रख सकते हैं, और हल्का ग्रेवी चाहिए हम इसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं, जो हमने कॉर्नफ्लोर का पानी है ना उनको डाल देंगे इस तरह से। तो आप चाहे तो जो कॉर्नफ्लोर आपने मैरिनेट करने के लिए रखा था उसमें से कुछ भाग बचा के रख दीजिए, और उसके बाद लास्ट में उसको ग्रेवी में थोड़ा गाढ़ापन लाने के लिए कॉर्नफ्लोर को हम डालते हैं, जिससे कि ग्रेवी गाढ़ा हो जाता है और रोटी साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। अगर सपोज सूखी सूखी खानी है, बिना रोटी के खाना है, खाली प्लेन खाना है, चिल्ली पनीर रेसिपी तो आप उसको इस तरह से खा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से एक सिंपल वे में हम बिना डीप फ्राई किए एक पनीर चिली का रेसिपी हम बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा हम बनाया गया है और हमने बहुत अच्छे टेस्ट किए। जिस दिन ये इसको बनाया गया था, वीडियो भी जिस दिन शूट किया गया था, उस दिन हमने इसको बड़े टेस्ट के साथ खाया था और बहुत मज़ा भी आया था, अच्छा भी लगा था। तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा। जितने भी आप लाइक्स एंड कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, वो मेरी वाइफ को डेडिकेटेड हो रहा होगा, यानी उनको अप्रिशिएट करने के लिए इसको बनाया गया है पर्टिकुलर वीडियो। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप इस रेसिपी को बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने डिनर या लंच को, और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा।